मिनी बस के आगे बोलेरो गाड़ी लगाकर मिनी बस छीनने का मामला, तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भिवाड़ी थाना पुलिस ने गत 6 अप्रैल को तीन बदमाशों के द्वारा एक व्यक्ति से छीनकर ले जाई गई मिनी बस के मामले में भिवाड़ी पुलिस ने खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से एक बोलेरो गाड़ी भी पुलिस ने जब्त की है। बदमाशों के द्वारा छीनी गई मिनी बस को पुलिस ने घटना के 24 घंटे के बाद ही बरामद कर लिया था। भिवाड़ी थाना प्रभारी हरदयाल सिंह यादव ने बताया कि 6 अप्रैल को योगेश कुमार पुत्र बलवंत सिंह निवासी गादोज बहरोड ने मामला दर्ज कराया था कि मिलकपुर के रहने वाले विक्की दायमा वगैरह तीन बदमाश अपने बोलेरो गाड़ी से आए और उसकी मिनी बस छीनकर ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए इसकी जांच शुरू की और घटना के बाद घटनास्थल के आसपास लगे करीब 20 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। साथ ही तकनीकी माध्यम से आरोपियों की पहचान की गई। पुलिस ने आज शुक्रवार को घटना को अंजाम देने वाले आरोपी विक्की दायमा, बंटी दायमा और राहुल दायमा को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास घटना के समय काम में ली गई एक बोलेरो गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से मामले में पूछताछ कर रही है। श्री ज्येष्ठा मैत्री आईपीएस पुलिस अधीक्षक महोदय जिला भिवाड़ी के निर्देश पर आज अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें 4 अप्रैल 2024 को ग्राम मिलकपुर के पास से गाड़ी को छीन कर ले जाने वाले तीन बदमाश, जिनमें बंटी दायमा, विक्की दायमा तथा राहुल दायमा निवासी मिलकपुर गुर्जर को आज गिरफ्तार किया गया है तथा उनके कब्जे से काम में ली हुई गाड़ी बोलेरो को भी जब्त किया गया है।